जाने जाने मन के रिव्यू शुरू करने से पहले मूवी के कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। मूवी के लीड रोल में हमें देखने को मिलेंगे सैफ अली खान, अलाया फर्नीचर वाला, तब्बू एंड अदर सपोर्टिंग कास्ट। मूवी को डायरेक्ट किया है नितिन कक्कड़ ने, जिन्होंने पहले मित्रों, नोटबुक और फिल्मिस्तान जैसी मूवी डायरेक्ट कर चुके हैं। अगर म्यूजिक की बात करें तो सॉन्ग कंपोज किए हैं तनिष बख्शी, गौरव रोशन और बैकग्राउंड क्रेडिट स्कोर जाता है केतन सोडा को। फिल्म की कहानी शुरू होती है लंदन में, जहां जैज यानी सैफ अली खान अपने लाइफ में शराब और शबाब में मस्त है। इन शॉर्ट एक प्लेबॉय टाइप कैरेक्टर है जो यंगस्टर्स की लाइफ जीना चाहते हैं एट द एज ऑफ 40। जैज अपनी मनपसंद जिंदगी जी रहा होता है, तभी उनके लाइफ ला देने वाला भूचाल आता है। उनके लाइफ में अचानक से टिया यानी अलाया फर्नीचर वाले की एंट्री होती है। टिया दावा करती है कि वो जैज की बेटी है, लेकिन जैज नहीं मानता। बाद में डीएनए वेरिफिकेशन से ये प्रूव होता है कि टिया जैज की ही बेटी है। यहाँ खत्म होता है मूवी का फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ में कुछ सीन्स ऐसे हैं जो मूवी में ज्यादातर जरूरत नहीं थी, लेकिन इसे मूवी में डाला गया है। कुछ सीन्स में आपको कंटिन्यूटी ब्रेक्स भी देखने को मिलेंगे। फर्स्ट हाफ की उसी धीमी गति से सेकंड हाफ की शुरुआत होती है, लेकिन चंकी पांडे की सीन के बाद स्टोरी ग्रिप पकड़ने लगती है, जिसका दी एंड मूवी के एंड होने के बाद ही होता है। फर्स्ट एंड सेकंड हाफ में कुछ सीन्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन उसने कॉमेडी पंचे से कवर किया गया है। मूवी का एंड होता है जहां सैफ अली खान को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है, दैट इज हैप्पी एंडिंग। फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी हद तक एंगेजिंग है बट नॉट डिटेल। और डायरेक्शन की बात करें तो नितिन कक्कड़ ने अपने पहले फिल्मों से कई गुना अच्छा डायरेक्शन इस फिल्म में किया गया। एक अच्छे डायरेक्टर के कई गुण उनके इस फिल्म से हमें नजर आएंगे। फिल्म में कुल मिलाकर 4 सॉन्ग्स है, उसमें के 2 सॉन्ग्स रीमेक है। चारों में से ओले ओले 2.0 इज ए चार्ट बस्टर वन। सैफ अली खान एज ए जैज इज वेरी गुड। इन्होंने ऐसे किरदार पहले भी निभा चुके हैं, जैसे कि कॉकटेल, सलाम नमस्ते, हम तुम एंड ही इज वेरी एक्सलेंट इन इट, सो आपको इन्हें देखने में बड़ा मजा आएगा। अलाया एज ए डेब्यूटेंट अपने रोल में काफी हद तक फिट हुई है। तब्बू का कैरेक्टर काफी उम्दा है, लेकिन उनको स्क्रीन टाइम बहुत ही कम मिली है। चंकी पांडे का रोल छोटा है लेकिन बहुत ही अहम है, जो आपको मूवी देखने टाइम पता चल ही जाएगा। और बाकी सपोर्टिंग कास्ट वॉज वेरी गुड एट देयर रिस्पेक्टिव रोल्स। फिल्म इज कम्प्लीटली एंटरटेनिंग। अगर आपके पास पैसे और वक्त दोनों हो तो आप भी बिंदास देखने जा सकते हैं, लेकिन ये मूवी पूरी फैमिली के साथ देखने मत जाइए, मतलब अपने छोटे बच्चों को घर पर छोड़ के जाइए। कंसीडरिंग स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन, इस फिल्म को हमारी तरफ से मिलते हैं 3.5 स्टार्स की रेटिंग। ये फिल्म अपने पहले दिन में सिंगल डिजिट कलेक्शन करेगी, यानी 4-6 करोड़ के आसपास। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन कर सकती है, और इसी के साथ ये बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज या हिट होगी। तो फ्रेंड्स, ये था जवानी जानेमन के लिए हमारा पर्सनल रिव्यू। अगर आप भी ये मूवी देख चुके हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अभी इस वीडियो के कुछ ही देर बाद हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे इस मूवी के पब्लिक रिव्यू। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हम देते हैं फिल्म अपडेट्स का डेली डोज। हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।